हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स बीजो। और ये रहा यार एपिसोड नंबर 2 रिप सीरीज का। तो इसके एपिसोड नंबर 1 में हमने क्या किया था वो मैं तुमको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यार एरोज वगैरह तैयार किए थे और फिर एक डिलीफो हंट किया था, तो जिससे यार हमको एक बो मिला था जिसका डैमेज यार 208 था। और अभी आते हैं यार आज के वीडियो में। तो आज अभी तक यार मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस एक काम करा है छोटा सा जिसके बारे में मैं तुमको बता देता हूँ। तो यार जैसे ही पिछले वीडियो की यार रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ करी थी वैसे ही मुझे ये मिला था। तो ये मेरे बेस के आसपास ही भटक रहा था और ये मैंने उसी टाइम टेम कर लिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको बस यार मेजोवैरी खिलानी पड़ती है और ये टेम हो जाता है। तो अभी देखो यार ये मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है यार सामान इकट्ठा करने में, मतलब कि यार जैसे फाइबर वगैरह ये बहुत जल्दी अच्छा कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि मेरे पास यार मेटल वेपन्स अभी तक नहीं है जिनसे यार मैं फाइबर वगैरह कलेक्ट कर पाऊँ। और ये देखो अभी इसने कलेक्ट करा, तो आई थिंक इधर भी ये कलेक्ट करेगा इनको। तो ओके, तो इस तरीके से यार ये कलेक्ट करता है और यार ये बहुत ज़्यादा सामान कलेक्ट करता है। मैं दिखा देता हूँ तुमको एक बार। तो इसका यार लेवल अप हुआ है, इसको मैं बाद में कर दूंगा। तो ये देखो यार कितना ज़्यादा इसने थैच वगैरह कलेक्ट कर दिया है। और ये देखो यार वुड फाइबर भी 600 जाके कलेक्ट कर दिया है। तो यार ये बहुत काम के डाइनो होते हैं और इसका यार लेवल भी कम था तो इसीलिए मैंने टेम कर दिया। तो अभी तो इसको साइड में रखते हैं और करते हैं यार आज का काम। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ मैंने किया क्या था। तो जैसे कि तुमको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं यार नार्को बैरीज बना के रखूँगा, तो ये देखो मैंने 35 नार्कोटिक्स बना के रखे हैं। तो इन नार्कोटिक्स का यार एक ही यूज़ है कि हम लोग इनसे यार ट्रैंक एरो बनाने वाले हैं। तो ट्रैंक एरो इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं टेम करने ट्राइक को। और ट्राइक को क्यों टेम करने वाले हैं इसका भी रीज़न मैं तुमको बाद में बताऊँगा। तो अभी तो यार जितने बनते हैं मैं बना लेता हूँ और 35 भी बनेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं यार कितना टाइम लगेगा। तो एक काम करता हूँ, तब तक यार मैं ये वाला जो क्रॉस बो है यार मेरा ये इधर रख देता हूँ, मतलब बो, और ये एरोज इसमें कर देता हूँ इक्विप जो कि मेरे ट्रैंक एरो है। और एक काम करता हूँ इन ये जो मेरा बाकी सामान है इसको भी रख देता हूँ। और एक और ख़ास बात, तो ये देखो यार ये पाइक है एक, और ये मेरे को मिला था यार रैप्टर को मारने से। तो यहाँ पे एक रैप्टर आ गया था तो उसको मारने से यार मेरे को इसका फ़ायदा हो गया और ये काफ़ी काम की चीज़ है, मछलियाँ वगैरह मारने में बहुत काम आती है। तो अभी यार मैं रख देता हूँ एरो, पहले इसको एरो निकाल देता हूँ यार यहाँ से। तो एरो निकालने के लिए बस आपको कोई दूसरा एरो इसमें रख देना है और एरो निकल जाएगा। तो मैं सब कुछ रख देता हूँ यार यहाँ पे और अब चलते हैं। तो हम लोग जाने वाले यार ट्राइक को टेम करने और मैंने सब कुछ ले कर रखा है और बस यहीं आस पास मेरे को आई थिंक मिल जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे देख रखे थे। तो चलो चलते हैं जल्दी से। ओके, तो ये रहा यार एक ट्राइक और इसका लेवल यार 15। तो वहाँ पे मुझे नहीं मिला, अब पता नहीं क्यों नहीं मिला। और ये देखो यार ये देखो एरो, मेरे पास एरो भी आ चुके हैं। तो ये एक्चुअली मैंने बेस में जाके लेके आया हूँ, तो एक्चुअली मैं ये भूल गया था नार्कोटिक्स, क्योंकि यार इसको देने पड़ेंगे थोड़े से, तो इसलिए मेरे को वापस बेस में जाना पड़ा। तो अभी देखते हैं यार कहीं हाइट, तो वो रही हाइट, तो यार हाइट पे जाने का एक ही रीज़न है कि ट्राई के यार जब मारते हैं ना बहुत जोर का मारते हैं तो तुम लोग यार किलोमीटर पीछे जाके पटक जाते हो, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैं हाइट पे जाके इसको टेम करूँगा। और अरे भाई बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या जा रहा है। तो बस ज़्यादा नहीं, कुछ एक एरो का नुकसान होगा तो चलो कोई बात नहीं। ओके, तो नहीं लगा मेरे को, आई थिंक नीचे ही जाना पड़ेगा। ओके, तो अब आई थिंक ठीक है। तो मैं वहाँ पे उन पत्थरों के पास भी गया था बट उन उधर से यार ये दिख भी नहीं रहा था। तो अभी मैं इस जगह पे आया हूँ और आई थिंक ये नहीं चढ़ पाएगा, तो चलो मारते इसको। और बस यार मेरे को इधर ही खड़े रहना है क्योंकि जब मैं नीचे जाऊँगा तो यार ये मेरे ऊपर अटैक करेगा। तो जैसे अभी देख रहे हो तुम, अभी ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और इसके शैल में मत मारना यार सिर में, वरना अरे भागना शुरू हो गया। ओके, तो ये नॉक भी हो गया भाई साहब, क्या ही। तो यही फायदा रहता है यार हाई डैमेज वाले बो का कि तुम लोग जल्दी जल्दी टेम कर सकते हो, जल्दी जल्दी नॉक कर सकते हो अपने डाइनो को। बस तुमको एक बात का ध्यान रखना है कि यार कहीं लो हेल्थ वाले डाइनो को भी हाई डैमेज वाले बो से मत मार देना। तो फिलहाल अब ये नॉक हो गया है। और एक और बात, तो मैं बता रहा था कि यार इसके शेल में मारने से इसकी यार डैमेज कम होता है इसको, क्योंकि यार इसका शेल बहुत हार्ड होता है सिर का, तो इसीलिए सिर की जगह तुम बॉडी में इसको कहीं भी मार सकते हो। और मैंने इसको सामान दे दिया और देखते कितना टाइम लगाता है। और मैं तुमको एक और चीज़ बता देता हूँ, तो वो देखो यार वहाँ नीचे मैं ढूंढ रहा था तो वहाँ नीचे नहीं मिला मेरे को,
तो मेरे को ऊपर आना पड़ा। और एक काम करते हैं यार, फाइबर भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइबर इसलिए क्योंकि मैंने इसका सैडल भी बनाना है। तो चलो जल्दी से कलेक्ट करते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है और इसका लेवल अभी 60 ही हुआ है। तो अभी तो यार शाम भी होने, मतलब होने तो नहीं वाली, अभी दिन ही है। तो इसका सैडल भी देख ही लेता हूँ यार मैं कितने में बनता है। तो ये देखो, पहले तो कितना ज़्यादा मैंने यार फाइबर कलेक्ट कर लिया, तो 478 मैंने कलेक्ट कर लिया और बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो ये भी यार बहुत ज़्यादा स्लो टाइम होता है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। तो अभी यार हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं एक काम करता हूँ, तो मैं एक हाइड यार थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि हाइड की यार ज़रूरत पड़ती है सैडल बनाने के लिए। और देखते हैं यहाँ पे डाइनो कोई। ओके, तो ये रहा एक लिस्ट्रोसोरस। तो ऐसे तो यार ये बहुत काम के डाइनो होते हैं, बट चलो इसको मार देते हैं। और ये भागना शुरू, मर गया। ओके, तो इसको फार्म भी कर लेता हूँ। ओके, तो ज़्यादा तो नहीं मिला, बट चलो काफ़ी ज़्यादा मिल गया है। और ये देखो यार एक कार्बोनोमिस, तो आई थिंक इसको यही बोलते हैं, इवन हम मैं कछुआ बोलूँगा। तो इसके भी यार सिर में शैल होता है, तो तुम सिर में मत मारना, इसके गर्दन वगैरह में मारना। तो एक काम करता हूँ, मैं गर्दन में ही मारता हूँ। तो अभी यार ये पेड़ में फंसा हुआ है और मेरे को अटैक नहीं करेगा। तो ओके, तो भागना भी शुरू हो गया। तो यार काफ़ी ज़्यादा काम का वो है। ओके, तो लेवल 40 का ही था यार सिर्फ, तभी सोची इतनी जल्दी कैसे मर गया। तो अभी जैसे कि यार मैं इसके आसपास घूमूंगा तो मेरे कलेक्ट भी हो जाएंगे एरो, तो यही फ़ायदा रहता है यार बो यूज़ करने का। तो एक काम करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। और यार इनसे यार एक और चीज़ मिलती है, कैरेटन। तो कैरेटन का यार ये फ़ायदा है कि वो तुम्हारे सैडल बनाने में भी काम आते हैं। तो अगले एपिसोड में जब हम यार पैट्रनोडोन को टेम करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो मिलते हैं इस लेवल पर। और अभी तक यार मैंने पता नहीं कितने कलेक्ट कर लिए, देखूंगा बाद में। तो फिलहाल तो यार ये टेम होने ही वाला है। 2000 years later. ओके, तो यहाँ पे यार कोई भी नहीं है फिलहाल आसपास, तो कोई खतरा नहीं है। चलो अभी यार ये सिर्फ 80% टेम हुआ है, 82%। तो ये देखो मैंने 114 ये इकट्ठा कर दिया और 5 ये। तो ये यार मेरे को मिल रहा है यार XP इनसे। तो अभी यार मैं एक काम करता हूँ, सूदिंग बाम खरीद लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास इतना ज़्यादा एम्बर है, मैं करूँगा क्या इनका, मैं भूल गया। तो अभी यार ये 10 वाला ही खिला देते, क्योंकि अब तो यार टाइम हो गया, वरना मैं 40 वाला ही दे देता इसको। तो आई थिंक अब तो हो जाएगा। ओके, देखते कितना होता है। ओके, तो ये सिर्फ 91% ही हुआ है, तो अगली बारी में शायद हो जाएगा। तो अभी यार पता नहीं कितना टाइम लगाएगा, तो करते यार वेट थोड़ी देर और। ओके, तो यार अभी भी वेट करना ही पड़ रहा है, और ये पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगाता है। वो तो शायद मैंने मेजोवेरी दे रखी है, तो उसी से इतना जल्दी हो रहा है, वरना तो यार ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और हो जा भाई। तो ओके, हमारा फाइनली हो चुका है टेम ट्राइक। तो ट्राइसेप्टोसोरस इसका नाम है यार, और ये काफ़ी काम का डाइनो है, तो मैं बताऊँगा तुमको बाद में। तो अभी यार ये जो हाइट है ये शायद मेरे को कम पड़ जाएगा, तो आई थिंक यहीं पे सैडल देखा था मैंने। ओके, तो ये रहा। तो इसके लिए चाहिए यार 140 हाइड और कुछ लकड़ियाँ भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लकड़ियाँ ही कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहीं पेड़ है यार, यहीं से मैं काट लेता हूँ जल्दी से। ओके, हमने, अरे भाई साहब ये देखो यार, जैसे मैं पेड़ काट के आया वापस, तो ये इसको यार मारना शुरू कर दिया था इसने। ओके, तो इसमें लूट तो कुछ ही नहीं मिली, तो आई थिंक वो ट्राइसेप्टोसोरस में चली गई होगी। तो फिलहाल यार हम हाइड कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को हाइड की भी ज़रूरत थी, तो बढ़िया हुआ। और देखते हैं अब बना सकते हैं हम कि नहीं। तो अभी तो 126 हुआ, पर फिर भी मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया कितना चाहिए था। ओके, तो ये रही सैडल। ओके, तो इसके लिए चाहिए यार 140, तो हमको लाना पड़ेगा। तो अभी मैं करने क्या वाला हूँ, अभी यार मैं इसको फॉलो करवाऊँगा अपने पीछे पीछे, और कोई भी डाइनो यार मेरे को दिखता है तो मैं उसको यार इससे अटैक करवाऊंगा, और ये इसका यार लेवल अप भी हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो फिर देखते हैं यार उससे हाइट कितना मिलता है हमको। ओके, तो यहाँ पे देखो यार मेरे को एग्स भी मिल गए, तो ये एग्स बहुत काम आते हैं। तो फिलहाल तो मैं इनको उठा लेता हूँ। और ये देखो यहाँ पे एक कछुआ है एक और, तो ये काम करते हैं इसी को टारगेट कर लेते हैं। और ओके, लेवल 15 का ही है, तो इसको तो ये आसानी से मार देगा। तो बस तुमको यार विशल बजानी होती है और टारगेट पे क्लिक कर देना होता है। और ये देखो, एक काम करता हूँ यार मैं इसकी हेल्प करता हूँ थोड़ी सी, तो मैं भी इसको मारता हूँ धीरे धीरे। और ओके, तो ट्राई कोई लग गई गलती से, कोई बात नहीं। तो ओके, इसने मार दिया यार इसको, और लेवल 15 का था। ओके, तो अभी क्या करते हैं, फिर से यार इसको कलेक्ट कर लेते हैं हाइड को, और इससे कैरेटिन भी मिलता है जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया। तो जितना ज़्यादा कैरेटिन होगा यार उतना हमारा फ़ायदा होगा।
ओके तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो अब यार सैडल बना सकते हैं हम फाइनली। और ओके देख सकते हो तुम लोग 152 कलेक्ट हो चुका है और वो सैडल किधर गया। ओके तो ये रहा, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से क्राफ्ट और देखते कितना टाइम लगाता है क्राफ्ट होने में। तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यार अंडे दिखे थे मेरे को, वो किधर गए? तो उन अंडों को यार कलेक्ट करने से क्या होगा कि मेरे को यार खाना बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तुम चाहे तो यार इससे कीबल भी बना सकते हो, बट मैं कीबल का यूज़ नहीं करने वाला। ओके तो अभी यार देखो मेरी सैडल बन चुकी है और मैं इसमें डाल देता हूँ। और ये देखो लूट, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, और अभी मैंने इसको पहना दिया। और चलो इस पर बैठ के देखते हैं। तो यार देखो अभी मैं इस पर बैठ चुका हूँ और बिना सैडल के यार तुम बैठ नहीं सकते। तो अभी देखो यार कितना ज़्यादा ये कलेक्ट करता है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ तुमको। तो देखो यार एक ही बारी में इसने सीड्स भी कलेक्ट कर दिया और इतनी सारी बेरीज भी इकट्ठा कर ली। तो ये पेड़ वगैरह को भी यार बहुत जल्दी कलेक्ट करता है, मतलब पेड़ से थच वगैरह। तो देखो यार तुम देख ही सकते हो कितने सारे, जितने पौधे मैं सारे के सारे तोड़ लूँगा। तो इस तरीके से यार तुम लोग बहुत ज़्यादा बेरीज इकट्ठा कर सकते हो। तो यही कारण था यार मैंने इसको टेम करा, क्योंकि मुझे नार्कोटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि नार्को बेरी से बनते हैं। और ये देखो मैं कलेक्ट कर चुका हूँ 351 और 16 मेरे पास है, तो ये भी दे देता हूँ। तो इसका एक और फ़ायदा होता है कि यार इसमें स्पॉइल नहीं होती है हमारी बेरीज वगैरह। और ये देखो ये इससे पंगा लेने आई थी और मार दिया। तो अभी यार इनसे चिटन बहुत अच्छा मिलता है, तो एक काम करता हूँ। तो ओके मेरे को एक फ्लिंट चाहिए मेरे हैचेट ठीक करने के लिए, तो मैं फ्लिंट ले लेता हूँ जल्दी से और हैचेट ठीक करता हूँ। तो हैचेट यार मैंने इसलिए ठीक करा क्योंकि हैचेट से यार ज़्यादा चिटन और ज़्यादा हाइड मिलता है। तो ये देखो अभी ओके अभी तो मीट ही मिला सिर्फ। तो अभी यार कलेक्ट करते हैं चिटन वगैरह। तो ये भी डेड है, सभी इसने मार दिए थे यार अपने आप ही। तो अभी यार चलते हैं बेस पे। तो अभी यार हमने ट्राइक टेम कर लिया है और जितनी भी इससे बेरीज मिलेगी, तो देखो यार मैंने और बेरीज इकट्ठा कर ली थी 500। और ये देखो ये सीड्स बहुत काम आने वाले हैं, तो इनको मैं तब लगाऊंगा जब मैं अपना बेस क्रिएट कर लूँगा। और ये देखो 40 कैरेट्स भी इसने कलेक्ट कर दिया है, तो इसको यार मैं रख देता हूँ इसमें अपने मोटार पिस्टल में। और अरे यार ये छूट गई, चलो कोई बात नहीं। तो इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और इसके अंदर यार मेरा मीट वगैरह भी है, स्पॉइल्ड मीट, तो इनसे यार मैं जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे यार पेट्रोनोडोन को टेम, जिसके लिए मैंने आज नार्कोटिक्स बनाए। आई होप यार तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नाउ मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।